कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हमारा नाम पड़ेगा विश्वनाथ शर्मा, हम आगरा से बोल रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं विश्वनाथ जी? जी आंध्र प्रदेश से, आरा बिहार से। आरा से बात कर रहे हैं जी। आप बिहार से सवाल पूछिए, हकीम साहब मौजूद हैं हमारे साथ। हमारा ऑपरेशन हुआ 3 महीना 4 महीना पहले, पथरी का। अच्छा जी। पथरी का ऑपरेशन हो करके हमारा गोल ब्लैडर निकाल दिया गया जी। तब से हम दवाई खा रहे हैं, हमारा कभी पतला पैखाना हो रहा है, कभी पैखाना हो ही नहीं रहा है, गैस काफी बन रहा है। और उम्र क्या है आपकी, आयु क्या है आपकी? आयु करीब करीब 68 वर्ष 70 वर्ष होगा जी। अच्छा देखिए, वो सिस्टम जो हाजमे को दुरुस्त रखता था, वो पुर्जा आपके जिस्म से पित्त के रूप में निकाल दिया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वो पित्त का काम पूरा करने लगे कोई ऐसी दवा है, तो मैं आपको वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और वो ये है कि जब भी आप खाना बनवाएं अपने घर में, तो इतना सारा लहसुन, इतनी सारी अदरक और काफ़ी सारा ये जो धनिया है, इसमें खूब मिलवाया करिए। अक्सर जो घर वाले मिलाते हैं, इतना सा अदरक, इतना सा लहसुन और इतना सा धनिया, तो इसकी तादाद इतनी कर लीजिए आपके सब्ज़ी में या सालन में, खूब ज़्यादा पड़ना चाहिए। या इसका अलग से एक पेस्ट बनवा के रख लीजिए, अगर घर वाले कोई पसंद नहीं करते हैं, तो वो आदमी के लिए ज़रूरी है जिसके निज़ाम हज़म में गड़बड़ है। एक पेस्ट सा बनवा के रख लीजिए और 1-2 चम्मच जब आप खाना खाया करें अपनी सब्ज़ी में, अपने सालन में, अपनी प्लेट में, उसको मिक्स करके फिर खाया करिए, तो पित्त की कमी पूरी करने लगेगा ये नुस्खा, और आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा और बहुत सारे फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे और आप बहुत सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।